हेलो दोस्तों, जीनियस वर्ल्ड के एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आपको तो पता ही होगा कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड और अचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। अब ये दिमाग के दोनों हिस्से ही मिलकर हमारी जिंदगी को चलाते हैं। आप अपने जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करते हैं। तो ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे माइंड ही हमारी जिंदगी को चला रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी चेतन और अचेतन मन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चेतन मन तो चलिए ठीक है, लेकिन ये जो अचेतन मन है, ये हमारे दिमाग का ज्यादा ही खास हिस्सा है। आप अपने जिंदगी के 90% से ज्यादा डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, बल्कि ये सब कॉन्शियस माइंड ही ये सारे डिसीजन लेती है। अगर हम ऐसा कहें कि आपके दिमाग की असली शक्ति आपके अवचेतन मन में ही होती है, तो ये गलत नहीं होगा। आप जरा ऐसा सोचिए कि क्या आप अपने दिल के धड़कन को खुद चला रहे हैं? तो फिर इसे कौन चला रहा है? एवरेज में 1 मिनट में हमारा दिल 70 बार धड़कता है, तो कौन है जो इसे वेरीफाई करता है? कहने का मतलब है, इसे कौन कंट्रोल करता है कि 1 मिनट में 70 बार ही आपका दिल धड़केगा, उससे ज्यादा नहीं? आपके नसों में जो खून दौड़ रहा है, वो भी एकदम परफेक्ट प्रेशर के साथ, इसे भला कौन मेंटेन करता है? आप तो नहीं करते। आपके शरीर के तापमान को कौन मेंटेन करके रखता है? तो इसका आंसर है आपका सब कॉन्शियस माइंड। ये आपके दिमाग का पावर हाउस है। यही डिसाइड करता है कि आप कौन हो और आपका कैसा बर्ताव होगा। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से कई ज्यादा पावरफुल है और इसकी क्षमताएं अनलिमिटेड हैं। आदत, ये जो वर्ड है ना, आदत, ये सब कॉन्शियस माइंड से ही रिलेटेड है। जैसे कि डेली रात को सोने से पहले इंटरनेट यूज करने की आपकी आदत, और ये आदत आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। जैसे कि आप कितने भी अंधेरे में रहोगे, अगर आपको खाना मिल जाए तो आप बिना किसी रोशनी के भी आप अपने खाने को मुंह में ही डालोगे, नाक में नहीं। तो ये सारा कमाल आपके सब कॉन्शियस माइंड का ही होता है। लोगों को ये तो पता है कि आदत को आसानी से बदला नहीं जा सकता, पर लोगों को ये नहीं पता कि इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन यही है कि ये आदत हमारी चेतन मन में नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन में स्टोर रहती है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड से कई ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी जिंदगी में कई चीजें ऐसी है जिसे हम जानते हैं कि इसे नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन तो जानता है कि इसे नहीं करना चाहिए, पर जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसे ये जानकारी नहीं होती है। और सब कॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल होने के कारण हमें जो चीजें नहीं करनी चाहिए, वो जानते हुए भी हम उसे कर देते हैं। अगर सब कॉन्शियस माइंड में कोई बात डाल दी जाए, तो उसे रियलिटी में बदलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई बात चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाए, तो मिरिकल्स यानी कि चमत्कार होने लगते हैं। इसीलिए अगर आपने अपने अवचेतन मन में कोई भी बात डाल दी, तो अवचेतन मन उसे रियलिटी बनाकर ही छोड़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जरा आप ये सोचिए, अगर हमारे अवचेतन मन की क्षमता अनलिमिटेड है, तो वो क्या क्या कर सकती है? अगर कोई भी बात आपने अपने अवचेतन मन को बता दिया, तो वो उस बात को रियलिटी में लाना शुरू कर देता है। और अगर आपने अपने अवचेतन मन से कांटेक्ट करना सीख लिया, तो आप खुद नहीं जानते कि आप किस ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। आप जो चाहें वो अपने जिंदगी में कर सकते हैं। तो इस अवचेतन मन से हम कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? अगर आप अपने अवचेतन मन से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो इसके बहुत सारे टेक्निक है, जिसमें सबसे बेस्ट है एफर्मेशन। जब कोई बात हमें बोली जाती है, तो वो सबसे पहले हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड के पास जाती है
और तब हमारा चेतन मन ही ये तय करता है कि वो बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचाना है या नहीं। तो अगर कोई बात हमारे कॉन्शियस माइंड को लॉजिकली ठीक लगती है तो वह बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो भेज देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप रोड पर कहीं चल रहे हैं और किसी पागल इंसान ने आपको कह दिया कि आपका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो इस बात को आप इतना सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो व्यक्ति पागल है। आपका कॉन्शियस माइंड भी इसे इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर यही बात आपको अगर आपके माता पिता या फिर किसी समझदार व्यक्ति ने बोला कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो ये बात आप बहुत सीरियसली लेंगे और उस बात को इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि आपको भी लगेगा कि अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो जरूर कोई ना कोई बड़ा रीजन होगा। और इसी थिंकिंग के चलते आपके चेतन मन को लगता है कि ये बात इम्पोर्टेंट है और वो उस बात को अवचेतन मन को भेज देता है। वो ये नहीं देखता कि ये बात पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये जस्ट उस बात को भेज देता है। इसलिए अगर हम नेगेटिव बात सुनते हैं या फिर नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। पर अगर देखा जाए तो ये बात पॉजिटिव बातों पर भी लागू होती है। अगर कोई बड़ा इंसान आपकी तारीफ करे और आपको मोटिवेशन दे तो आपको ये सुनकर अच्छा लगता है ना। इसलिए जो लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं वो जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादातर अच्छी और पॉजिटिव बातें बताई गई होती हैं। और वो पॉजिटिव बात जब हमारे चेतन मन के पास जाती है और वो बात अगर इम्पॉर्टेंट होती है तो चेतन मन उसे सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है और असल जिंदगी में वही होने लगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई बात बार बार हमारे चेतन मन को हिट करती रहे तो वो बात हमारे अवचेतन मन के पास चली जाती है। इसीलिए हमेशा से बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया है कि आप हमेशा पॉजिटिव बोले या फिर शुभ शुभ बोले। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, आपको लगता है कि आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, तो ये आपकी सोच कुछ समय के बाद अवचेतन मन में चली जाएगी और आप चाहते हुए भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज को उल्टा कर दें, अगर आप सोचें कि इंग्लिश तो बहुत ही आसान भाषा है, विदेशों में तो छोटे बच्चे भी इसे आसानी से बोल लेते हैं, तो बस आपकी यह बात आज नहीं तो कल आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी और आपके लिए इंग्लिश सच में बच्चों की भाषा बन जाएगी। लेकिन अब सच बात तो ये है कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को मजाक में लेते हैं और सोचते हैं कि क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने और बोलने से क्या सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो नहीं जनाब, ये ऐसे काम नहीं करता है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव काम भी करना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इंग्लिश को पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बेटर रिजल्ट देगी। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को नेगेटिव वे से करोगे तो आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, कितने भी रट्टे मार लो, आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी। तो बस अब से सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही आप सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ज़्यादातर पॉजिटिव लोगों की किताबें पढ़िए और जो भी आप काम करते हो उसे मन से करिए। आप कुछ दिन ये प्रैक्टिस करिए, आपके इस प्रैक्टिस से ही आपके अवचेतन मन की शक्ति के साथ आप अपने लाइफ के हर गोल को आसानी से अचीव कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो में बताई गई बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने इस दोस्त और होस्ट रोहित को दीजिए इजाज़त। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।